हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं या रेफर करते हैं चीज़ों को, या फिर जो चीज़ वो इंडिकेट या रेफर करते हैं उनको ग्रुप से अलग करने का काम करते हैं। जैसे मेरे सामने एक बुक रखी है और मैं उस बुक की तरफ इंडिकेट करके, इशारा करके बोलती हूँ कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। यहाँ जो दिस कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, वो इस बुक को रेफर करने का काम कर रहा है कि ये जो बुक है वो मेरी है। सेकंड सेंटेंस सेम वे में, जैसे मेरे सामने बहुत सारी किताबें रखी हैं और मैं उन किताबों के ग्रुप में से एक बुक को की तरफ इंडिकेट करके बोलती हूँ कि दिस वन इज माइन, कि ये वाली जो किताब है वो मेरी है। यहाँ पर दिस ने क्या काम किया, दिस ने उस बुक को रेफर किया जो मेरी है और साथ के साथ बाकी सब बुक से उसने अलग भी किया। यही काम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं। एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। डेमोंस्ट्रेटिव आर द वर्ड्स जो इंडिकेट करने वाले, डेमोंस्ट्रेटिव वो वाले वर्ड हैं यूज टू इंडिकेट, जिनका यूज हम करते हैं चीजों को इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए। विच एंटिटीज आर बीइंग रेफर्ड, जिनको रेफर किया जाता है, जिनके रेफरेंस में उन वर्ड्स का यूज किया जाता है। एंड टू डिस्टिंग्यूश दोज एंटिटीज फ्रॉम द अदर्स, और उन चीजों को दूसरी चीजों से अलग करने का काम करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं। आगे लिखे हैं मैंने कुछ सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस बेस्ड हैं, इनमें एरर हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बेस पर। इन एरर को करने से पहले सबसे पहले एक बात हम क्लियर कर लेते हैं कि जब भी कंपैरिजन होगी वो सेम लेवल सेम चीज़ों में होगी। सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से होती है, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होती है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो एयर है, ऑफ प्रीपोजिशन है, दिल्ली ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इज यहाँ पर मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और जब बी की फॉर्म मेन वर्ब होती है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। पोल्यूटेड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मोर एडजेक्टिव है, देन कंजंक्शन है। मुंबई क्या है, सब्जेक्ट नंबर सेकेंड, और मुंबई सब्जेक्ट नंबर सेकेंड है। अब कंपैरिजन देखना है किस किस के बीच में करनी है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट एयर है, यहाँ पर सब्जेक्ट मुंबई है। कंपैरिजन दिल्ली की एयर का और मुंबई की एयर का करना है, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो दिल्ली की हवा है वो ज़्यादा पोल्यूटेड है मुंबई से। एक्चुअली मीनिंग होना ये चाहिए कि जो दिल्ली की हवा है वो मुंबई की हवा से ज़्यादा पोल्यूटेड है। कंपैरिजन दोनों की एयर का होना चाहिए, ना कि दिल्ली की एयर और मुंबई का। तो इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन, हम यहाँ सब्जेक्ट ऐड करेंगे, और सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो एयर को रेफर भी करेगा और इस मुंबई को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया That. अब ये मुंबई क्या कर, मुंबई को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, ये तो सब्जेक्ट बन गया, ऑफ प्रीपोजिशन का हम मुंबई को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन दैट ऑफ मुंबई, जो दिल्ली की एयर है वो मुंबई की एयर से ज़्यादा पोल्यूटेड है। नेक्स्ट सेंटेंस, राजेश इज टालर देन आई और मी। राजेश क्या है, सब्जेक्ट, इज है लिंकिंग वर्ब, टालर क्या है, एडजेक्टिव, देन है कंजंक्शन, आई सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। टालर लंबा कौन है, राजेश, तुलना राजेश की करनी है, राजेश सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगी, इसलिए यहाँ मी ठीक ना होकर आई ठीक होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, करण्स कार इज कॉस्टलियर देन रोशनी, जो करण की कार है वो रोशनी से महंगी है। एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि जो करण की कार है वो रोशनी की कार से महंगी है, ऐसा कुछ होना चाहिए था। एक बार हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। करंज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेशन बनाने का काम कर रहा है कार पर, कार है हमारा सब्जेक्ट, इज यहाँ पर मेन वर्ब है, कॉस्टलियर क्या है एडवर्ब, देन है कंजंक्शन, और रोशनी क्या है सब्जेक्ट नंबर टू। कंपैरिजन कार की और रोशनी की नहीं करनी, कंपैरिजन कार की और रोशनी की कार की करनी है, इसलिए जो सेकंड सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा वो रोशनी की कार बनानी पड़ेगी। और रोशनी की कार सब्जेक्ट कैसे बनेगी, या तो हम इसको इस सेंटेंस को ऐसे लिखें कि दैट ऑफ रोशनी
इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पर जो दैट है वो कार को रेफर करेगा और ये सब्जेक्ट नंबर सेकंड बन जाएगा, ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। या फिर इसको सेकंड तरीके से हम कैसे सही कर सकते हैं, इसको इस तरह से सही कर सकते हैं, रोशनीज, यहाँ पर जो इज वर्ब होगी वो अंडरस्टूड होगी, इज वर्ब अंडरस्टूड होगी, ठीक है। करंस कार्स इज कॉस्टलियर देन रोशनीज, लेकिन इसमें इन दोनों में से हम प्रेफर किसको करेंगे, हम इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में स्ट्रक्चर सेम ही रखना है, पर थोड़ा सा ये वाला इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए। नेक्स्ट सेंटेंस, द कॉस्ट ऑफ करंस कार इज हायर देन रोशनी। ऐसा ही कि जो करण की कार की कॉस्ट है वो ज़्यादा है रोशनी से, सेंटेंस ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था कि द कॉस्ट ऑफ करण्स कार, जो करण की कार की कॉस्ट है वो रोशनी की कार की कॉस्ट से ज़्यादा है। इस सेंटेंस को भी हम ऐसे ही ठीक करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं। कॉस्ट क्या है, सब्जेक्ट, ऑफ है प्रीपोजिशन, करण्स क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, कार क्या है, जो ऑफ प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, हायर एडजेक्टिव है, देन कंजंक्शन है, और रोशनी क्या है, सब्जेक्ट नंबर सेकंड। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉस्ट है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉस्ट होना चाहिए, और कॉस्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे दैट ऑफ रोशनीज। यहाँ पर क्या हो गया, दैट किसको रेफर कर रहा है, कॉस्ट को रेफर कर रहा है, और रोशनी जो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग निकल कर आता है कि जो कॉस्ट है करण की कार की वो रोशनी की कार की कॉस्ट से ज़्यादा है। कंपैरिजन कॉस्ट कॉस्ट का हो रहा है इन इसमें, और इसमें कंपैरिजन किसका था, कार का था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टोरीज ऑफ महाभारत आर मोर इंटरेस्टिंग देन रामायणा। सेम वे में हम सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आर मेन वर्ब है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, मोर एडजेक्टिव है, ठीक है, देन कंजंक्शन है, और जो सब्जेक्ट नंबर सेकेंड है वो रामायणा है। इस फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट क्लोज में जो सब्जेक्ट है वो स्टोरीज है, सेकेंड कंपैरिजन होनी चाहिए वो स्टोरीज, और यहाँ भी स्टोरीज की होनी चाहिए, इसलिए हम इसको ठीक कैसे करेंगे, दोज ऑफ रामायणा। यहाँ दैट ऑफ का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि जो रामायण की स्टोरी है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, इसलिए हमने यहाँ पर दैट ऑफ की प्लेस पर दोज ऑफ का यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस, क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम्स, दिस इज़ एन आउटडोर गेम एंड दैट इज़ एन इनडोर गेम। ऐसे सेंटेंस में जो पास लिखा है वो पास वाले को रेफर करता है, जो दूर लिखा है वो दूर वाले को रेफर करता है। जैसे यहाँ पर है दिस और यहाँ पर है चेस, दिस के बिल्कुल पास में चेस है, तो जो दिस रेफर कर रहा है वो चेस को कर रहा है। क्रिकेट और दैट दूर दूर है, जो दैट रेफर कर रहा है वो क्रिकेट को कर रहा है। इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं, क्रिकेट एंड चेस आर फेमस गेम्स, क्रिकेट और चेस फेमस गेम्स हैं, दिस किसके लिए आया है, चेस के लिए, चेस इज एन आउटडोर गेम, गलत हो गया ना, क्योंकि चेस तो इनडोर गेम है। दैट किसके लिए आया है, क्रिकेट के लिए, क्रिकेट एज एन इनडोर गेम, जो क्रिकेट है वो इनडोर गेम है, ये भी गलत हो गया। तो इस सेंटेंस को हम ठीक कैसे करेंगे, दिस को काट कर दैट कर देंगे, दैट को काट कर दिस कर देंगे, ये हम तब कर सकते थे जब ये स्लैश नहीं थे, ठीक है, हमारी मर्जी थी, लेकिन अब पेपर में लगे आते हैं ये वाले स्लैश, और इन स्लैश का मतलब है हम एक ही पार्ट में करेक्शन कर सकते हैं, हम दिस को दैट, ये तो दो पार्ट में करेक्शन हो गया ना, एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में, हम पेपर में ऐसे नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हम इस पार्ट में करेक्शन करेंगे, और एरर भी इस पार्ट में करेक्शन करेंगे, और इस पार्ट में करेक्शन कैसे होगा, चेस को क्रिकेट के प्लेस पर लिख देंगे और क्रिकेट को चेस के प्लेस पर, जब क्रिकेट को हम यहाँ लिख देंगे तो ये जो यहाँ पर जो दिस है वो रेफर करेगा क्रिकेट को, अगर ये क्रिकेट को रेफर करेगा तो क्रिकेट आउटडोर गेम है, यहाँ पर हम लिख देंगे चेस को, ठीक है, और जो चेस को रेफर करेगा वो करेगा दैट, और दैट जो चेस क्या है वो एक इंडोर गेम है। ये सेंटेंस इस तरीके से ठीक हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।